नाजरीन, कैसी हैं मेरी जान की टोटियां ते छोटियां छोटियां ते एंड पतलियां मोटियां सुटियां ते गुनियां ते की हाल है तोड़ा कुड़ियों। ठीक ठाक ही होवे के होर की आ दसो के कोई चुगली शुगली ते नहीं कर रही है फोन ते? हुण ते मिलना मिलाना जरा कम ही हो गया ना, बाहर जाना। हाँ अच्छा, आपस में भी बैठी हो, लग गया हो, लगो लगो लगे रहो लगे रहो। ते की हाल है कुड़ियों, मैं ते खादा है आज पता है की, चाय पराठा ते अचार, बड़ा मजा आया। सस दे हाथ दी रोटी खा के ते वैसे ही चस आ जाती है कुड़ियों, मजा आ जाता है। जब मेरा हस्बैंड कहता है अम्मी मुझे रोटी खानी है, यकीन मने तो उसकी अम्मी मेरी अम्मी हो जाती है और मुझे भी पका के खिलाती है, तो चस आ गई कुड़ियों है। वैसे माँ के हाथ का खाना है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे नसीब में नहीं था, हम लोगों ने नहीं खाया, मैं हम लोग बहुत छोटे थे जब अम्मी फौत हुई है, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो सवैयाँ वगैरह ना अक्सर बुला, कभी चोरी से हमें बुला के ना, क्योंकि वो मेरे नाना अब्बू के घर रहती थी, दीवार के साथ दीवार थी, अब्बू जब जॉब पे होते थे तो कैसे हम ना घर वाले भी हमें ना देख पाए, तो मतलब इस तरह से चोरी से हम मिल लेते थे। तो वो सवैयाँ बरीक फेनियाँ, सवैयाँ नहीं होती, वो भून के पकाती थी, दूध वाली नहीं, भून के, कभी दूध में भी बना लेती थी, तो बस वो याद है। लेकिन वैसे जैसे खाने होते हैं वालदा के हाथ के, तो वो वाले उससे हम महरूम रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी जान, ससु अम्मा जान, उनके हाथ के खाने मज़ेदार होते हैं, और वैसे हम खुद भी बहुत अच्छे बनाते। मैं भी कुड़ियों, मैं भी एडी निकम्मी नहीं है। जब मेरी नंदे मेरे घर होती थी अक्सर वो फरमाइश से मेरे से खाना भी बनवाती थी, ये भी याद रखो कुड़ियों। अच्छा जी, अब आते हैं अपने रेस्कन की तरफ, कैसी गुजर रही है, क्या गुजर रही है, उस पर बयान करते हैं। फैटमा और डीडी के रिएक्शन आ चुके हैं, अम्मा अब्बा पे दे दिया रिएक्शन, और कहता है कि मैं नहीं दिता रिएक्शन, वे अड़िया ये रिएक्शन नहीं सी ते फिर की सी, लाभ खा के तू चाचे दा भंगड़ा वायरल कर चढ़े, तेन शर्म न आई, उत्तों तू कह रहे हैं कि मैं हाले रिश्ते बचा के बैठा, वे तू रिश्तियां दा सत्यानाश करके उन्होंने एक्सपोज कर छड़िया वे। अच्छा जी, बहुत सारी बातें हुई है, फातिमा ने भी, फातिमा की कल की वीडियो जो है उस पर बात करूँगी, मैंने नहीं देखी थी, बाद में देखी है। अचानक कहती सास आ गई, हैं गुन्नी? अच्छा अचानक तो नहीं है, आपने बुलाया है, क्योंकि आपने खुद बोला है और आपकी सास ने भी बोला है, बुलाया है, तो ये टाइटल लगाया हुआ था। उसके बाद व्लॉग में दिखाती हैं कि जनाब वो बाज़ार नाश्ते वगैरह सामान वगैरह लेने जाती हैं, अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए, अब बच्चे हैं आपके, अब हमारे जैसी जो होती है ना थोड़ी सी अधेड़ उम्र में ही आ जाती हैं। तो अपने सिर मत्था लो और जाओ सामान सामून खरीदो, हैं किसी के क्या मोहताज बनना, तो बहादुर बने भाई, बहादुर बने, ऐसे बहादुर बने कि किसी की ज़रूरत ना हो कि आपको देखे, ठीक है ना, इस तरह बने आप, किसी की ज़रूरत ना हो। तो सामान वगैरह लेने गई और उसके बाद जो है कहती है परेशानी से मैं इतना परेशान थी, ज़हनी तौर पे अपसेट थी कि मैं दुकानदार को 200 दे बैठी, हालांकि उसके पास पैसे उसके थोड़े बनते थे, लेकिन वो भाई साहब कहते हैं बाजी आपने मुझे पैसे ज़्यादा दिए, लेती तो जाएँ, कहती हूँ मैंने कहा मैंने तो आपको अभी दिए नहीं है, तो कहते नहीं मुझे आपने दिए हैं पैसे। खैर उसके बाद खाना शाना रेसिपी वगैरह दिखाती हूँ, और कहा कि फादिया के पापा जब से आए हैं वो सोए पड़े हैं, वो उठ ही नहीं रहे, ए जनाब जो तो गोलियाँ शोलियाँ खा के पे सी, ए सारा मुद्दा डालना इसी पे जाता है। अच्छा ये मैं आपको आज स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ, रियल जो है, हकीकत जो है, हम देख रहे होते हैं, जायज़ा भी ले रहे होते हैं और चीज़ें देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ रिएक्शन, वो मुख्तलिफ़ व्लॉग होते हैं ना, तो ये समझ रहे होते हैं शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें पता होता है, क्योंकि जो वॉच कर रहा होता है ना देखे तो अलग बात है, देख रहे होते हैं तो फिर सुन भी रहे होते हैं, तो फिर हमें हम चीज़ों को पकड़ने में आसानी हो जाती है। अच्छा वैसे मैं कोई जज तो नहीं लगी, लेकिन हाँ झोल जो होते हैं उसमें तो बात करनी है ना कुड़ियों, गुन्ने तू भी देख रहे हैं। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि फादिया के पापा सोए हैं, मैं बुला रही हूँ, वो उठ ही नहीं रहे, वो सोए हुए हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे, और मैंने अपनी सास को कॉल की है और उसको कहा है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ये उठ ही नहीं रहा, मैं आवाज़ें दे रही हूँ। अच्छा फिर कट होती है, फिर उसके बाद अली के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है, उसको हैप्पी बर्थडे कहती हैं बड़ी मामा,
तो बड़ी मम्मा नहीं हूँ, छोटी हो गई। तो खैर कॉल करती हैं अली को और जो है जनाब हुसैन, बेटा खटखट ना करो क्या तेरा प्यो है हाँ कौन जो खटखट कर रहा है। अच्छा उसके बाद जो है रोटी तो खा लो यार पूरी ते अच्छा दिखाओ बाप बेटा खाना खा रहे थे तो अब उठा के जा रहे हैं, जो खाएगा वो उठाएगा। अच्छा उसके बाद जो है क्या यार आपने आपको ही एक्सपोज कर दिया मैंने। अच्छा उसके बाद जो है जनाब क्या होता है कि उसको पूछती हैं सालगिरह के बर्थडे वगैरह भी विश करती हैं और उसके बाद जो है कहती हैं कि मैंने आपको गिफ्ट देना है। बच्चा जो है अपने दोस्तों को केक शेक खिला रहा होता है और इस तरह से सेलिब्रेशन कर रहा होता है अली। उसके बाद जो है क्या कहती है कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ बेटा, ये अच्छा लगा मुझे मोमेंट, ये अच्छा लगा इन्होंने जो कैप्चर किया। हुसैन बेटा इसका पैरों में पहन लिया यार, की हो गया मेरे साथ आज, तुम चाहते क्या हो, चाहते क्या हो नहीं अच्छा इधर आओ, हेलो तो कर दो आंटी को। हेलो आंटी, हाय, पारी कर दो, अब जाओ दूसरे कमरे में नजर ना आना। अच्छा जी ये आज मेरा रिएक्शन बढ़ गया मेरा रिएक्शन तो बढ़ गया। अच्छा जी उसके बाद जो है मुझे अच्छा लगा, ये मोमेंट बहुत अच्छा लगा, माँ वाली चीज़ नज़र आई कि लगा कि हाँ यार बच्चे को पाला पोसा है, इतने साल रखा है, एक आपकी बॉन्डिंग होती है, प्यार होता है, फिर डबल डबल इन लोगों के वैसे भी रिश्ते हैं, खून के भी रिश्ते हैं ना। तो खैर आयशा चाचा जात बहन है इनकी, तो इस तरह से भी रिश्ता हो गया ना। अच्छा फिर उसके बाद जो है बच्चे को कहती है क्या लेना है, उसने कहा नहीं मम्मा कुछ नहीं, कहती नहीं मुझे बताओ क्या लेना है आपने, कहता कि रहने दें, कहती साइकिल ले दूँ, कहता है कि नहीं वो मम्मा लेके दे रही है, कहती मोटरसाइकिल ना लेना, मैंने वीडियो में सुना है कि तुम मोटरसाइकिल मांग रहे हो, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो इस तरह से हेलो आई की वीडियो रिकॉर्ड की इसने, अच्छा लगा मुझे ये सीन, प्यारा लगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इनका वो बंद होता है कॉल, और उसके बाद जो है कहती है आज परेशानी हुई मेरे घर, बहुत बड़ा मसला हुआ, सारा दिन हमारे घर ये परेशानी मेरे साथ हुई रही, मैं जो है मैंने इनके पापा को कहा आप जब भी जो है बच्चे सो जाते हैं लाजमी नहीं है कि तुम बैठे रहो मेरे साथ, आप चले जाया करें और घर जाके अपने सो जाया करें, तो आप जो है मतलब डिस्टर्ब ना हुआ करें। अब इनकी बातों से जो लग रहा है कि इनकी जो थर्ड वाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं कुछ चीज़ों पे, और दीदी के जो रिएक्शन से मुझे अंदाज़ा हुआ है उससे भी मुझे जो लग रहा है कि ये किसी न किसी को अब फातिमा के घर रखना जा रहे हैं, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा कि ये घर में अकेले होते हैं, साफ पता चल रहा है बातों से चीज़ों से। ये भी ऐसी बातें कर रही है कि कोई नहीं तुम घर चले जाया करो जब बच्चे सो जाते हैं, बच्चों के लिए ही तो आते हो, वरना कौन बीवी कहती है कि आप जो है चले जाएं। तो अब आजार ही दिखाता होगा या बार बार उसकी कॉल आती होगी, तो इसलिए जो है ये ऐसी चीज़ें इन लोगों के साथ चल रही हैं ज़िंदगी में, ठीक है जी। अच्छा जी उसके बाद जो है कहती है कि ये फिर चला गया, और उसके बाद जो है मैंने मुझे लग रहा था ना कि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने सास को भी कॉल की, तो उसके कॉल जो है शाहरुख ने उठाई, उसने कहा कि इनके अब्बू की जो है तबीयत ठीक नहीं है, फादिया के अब्बू की, तो आपकी सास जो है उधर बैठी है। तो फिर कहती कि बाद में मैंने उनसे तबीयत शबीयत पूछी, मुझे लगा कि इनकी तबीयत वाकई मतलब सही नहीं है, ख़राब है,
खैर कहती है फिर सुबह हुई तो ये 10 बज गए तो ये नहीं आया ना, फिर मुझे फिक्र हो रही कि अल्लाह खैर करे, लेकिन वो आया नहीं है उसके बाद। तो फिर उसके बाद जो है सास से जब कहती है मेरी बात हुई थी ना, तो उसने मुझे बताया था कि इसने गोलियां खाई हुई थी, तो हमने इसको उल्टी करवाई है और इसको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि तूने ये क्यों हरकत की है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कहती है अब कुछ बेहतर है। फिर जो है कहती है जब ये दूसरे दिन को घर आया तो मैंने इससे पूछा कि तुमने क्यों गोलियां खाई थी, क्या वजह थी, मतलब आपने टैबलेट वगैरह जो खाई है। तो कहता है कि तूने मेरे पे रिएक्शन दिया था। उससे 2-3 दिन पहले ये बंदा खुद मुसलसल फातिमा के नाम के टाइटल लगा के तो मिक्सअप वीडियो बनाए जा रहा था, अजीबोगरीब जैसे वो होता है ज़रा अट्रैक्टिव थंबनेल लगा के मुसलसल फातिमा के नाम पे। एटीएम की बातें भी चल रही, बीमारी की भी बातें चल रही, लड़ाई की भी बातें चल रही, वो मुसलसल लगा रहा था थंबनेल। इसने सिर्फ एक दिन लगाया कि दीदी का जो एटीएम कार्ड है वो किसके पास है, क्या वो मेरे पास है, इस तरह से करके। तो फिर जो है उसके बाद हाँ बाबा उधर उधर जाओ, अब खेल लिया आपने, उधर जाओ। हाँ उसके बाद जो है इसने वीडियो बनाई है फातिमा ने और कहा है कि लोगों को कहा है कि नहीं यार तुम लोग कहते हो कि मुझे कमेंट आ रहे हैं कि तेरे पास होते हैं, क्योंकि इसकी बीवी ने रोला डाला हुआ था ना कि ये पैसे शैसे जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, नहीं है मेरे, मैंने तो कपड़े लेने, मैंने शादी पे ये कर रहा है, शादी का रोला है, शादी का रोला, इस तरह से चीज़ें हो रही थी। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अच्छा उसके बाद जो है कहते हैं कि इसको कमेंट आना शुरू हो गए शायद फातिमा को, तो इससे भी पूछा होगा, तो इसने फिर अपनी सफाई में बना डाला कि भाई हमारे इतने सिर्फ 9,000, मतलब वो बताया 9,000 का हमारा कहती है रोशन आया, 4,000 बच्चे की फीस देते हैं, बाकी बच्चे आते जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ये हमारा खर्चा है फिलहाल। तो उसके बाद जो है जनाब ये बंदा जो है गोलियाँ खाने पर आ गया मुद्दा बना के, ब्लैकमेलिंग वाली बात है ना, ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग वाली बात है कि तुम बीवी को कह रहे हो तूने मेरे पर रिएक्शन दिया। उसने कहा पहले जाके देख तो सही, मैंने तुम्हारे खिलाफ नहीं बोला, मैंने तो उल्टा तुम्हारी तारीफ़ की है कि वो हमारे खर्चे शर्चे उठाते हैं, अपने पैसों से जो है बच्चियों का ख्याल रखते हैं या जो हमारे एक्सपेंसिव हैं वो देते हो। तो उसको जनाब इन्होंने मुद्दा बनाया। अब क्या हुआ है इनकी जो थर्ड वाइफ है, देखिए मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी खाला दी कुड़ी फातिमा भी नहीं आया, सनिया भी नहीं आया, जो चीज़ें हैं वो हैं। इस टाइम जो किरदार अदा कर रही हैं वो सनिया बड़ी बीवी होने का कर रही हैं कि मैं वड्डी हाँ, तो वो जड़ा है दूसरी तू है कौन, तू कौन सा खाम का, मतलब तू मेरे पे आई है, उल्टा उल्टा हिसाब चल रहा है ये सारा। तो खैर यहाँ पे जो है कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे पे टोंट मारती हो, फिर मेरे लिए मसला हो जाता है। उसने बोला होगा ना कि तेरी बीवी ने क्यों एटीएम पे वीडियो बनाई है, इसकी जरूरत क्यों हुई है इसने वीडियो बनाई है कंट्रोवर्शियल क्यों, आपको कंटेंट चाहिए, अगले बंदे को नहीं चाहिए, अगले ने भी चाहिए, बेशक तुम लोग अंदर से जो भी हो, लेकिन अगर यूट्यूब के हिसाब से बात की जाए आप कंटेंट बनाएं, आप हर तरह के हाय मैं लुटी गई है मैं बदनाम, मैं अभी देख रही थी मैं हैरान हसस कि मेरे टेढ़े च पीड़ हो गई, मैं बताती हूँ उस बेच की। अच्छा कहते कि तुम दोनों ने एक दूसरे पे टोंट मारते हो, टोंट काहे का मारते हैं भाई, वो डेली मारती है, अगर उसने एक सीधी सी वीडियो बना दी तो उस पर आप गोलियां खाने लग गए, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऊपर से आप कहते हैं कि मैं बीमार भी हूँ, तो ये आप खुद क्या कर रहे हैं भाई, आप खुद भी गलत कर रहे हैं और अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। और वाकई मजाक मजाक में भी अगर कोई बंदा ऐसी हरकत करता है, अल्लाह ना करे कोई अटैक कर जाए, कोई चीज़ आपकी बॉडी पर ज़्यादा असरअंदाज हो जाए, आप तो गए ना, नैना भी यही हरकतें करती रही है ब्लॉग्स में, बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी की हैं मुसलसल ये टैबलेट वाली चीज़ें, और आप भी मुसलसल यही चीज़ करते हो, तो ये गलत बात है। या तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हो कि भाई किसी के ऊपर प्रेशर डाल देते हो, या फिर आप लोग ना बिल्कुल ठुस हो जाते हो, ये जो तरीक़ाकार है ये सही नहीं है, बैलेंस वे में चलना चाहिए। अच्छा इसके बाद जो है कहती है फिर ये आता है तो फिर सोया रहता है, तो मैं दाग सी बातें डर के मारे इससे ज़्यादा बात ही नहीं करती, मैं तो कम बात करती हूँ, और बाकी जो है होता है ना औरतें ताने कसती हैं ये वो, कहती है मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करती, ऐसी वैसी आते हैं अपने काम शाम करता है बैठता है,
बीच में चला भी जाता है तो मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करती ही नहीं हूँ, क्या अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए। मैं डरी डरी रहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का ये बाप है, तो मैं तो बाकायदा मोहताद होके कहती इससे चलती हूँ। अपनी सास को भी कहा कि सबको सब कुछ मिल जाएगा, बच्चों को बच्चों का बाप नहीं मिलना दुनिया में जो है ये बहुत बड़ी नेमत होती है वालिद की। तो अब ये छोटा नहीं है, ये मैच्योर हो गया है, ये बड़ा है, तीन शादियां कर ली हैं, बच्चे हैं, मैच्योर है, अच्छी खासी अधेड़ उम्र हो गई है यार, उसके बाद बच्चेदाई की है, यही उम्र आगे मैच्योरिटी की उम्र शुरू हो जाती है। तो खैर उसके बाद जो है कहती है कि मैंने उन्हें समझाया कि इसको समझाओ तुम लोग, मुझे परेशानी है कि इसका साया इसके बच्चों के सर पर सलामत रहे, ऐसी वैसी कोई बात ना हो। मुझे ज़्यादा वैसे बात करने का हक़ तो नहीं है, करना चाह रही थी लेकिन फिर रुक गई है, इसने दबा ली है बातें, ज़्यादा बात करने का हक़ तो नहीं है, बस मैंने इतना ही कहना था कि बच्चों का बाप है, बाकी इसने कुछ नहीं बोला, मतलब इतना ही अल्फाज रखे। अच्छा इसके बाद जो है दीदी ने कहा मेरे साथ बहुत सारे मसले हैं, सिर्फ फातमा सनिया की वजह से मैंने गोलियां नहीं खाईं, लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फातमा सनिया की वजह से तूने जो है गोलियां खाई हैं। पहली बात, मेरी माँ पर हर दूसरे दिन मेरी माँ जो है बोलती है और वीडियो बना देती है मेरे बेटे ने दो शादियां कर दी। ये अब किसके अल्फाज बोल रहा है, ये किसके अल्फाज बोल रहा है, ये अपनी वाइफ के अल्फाज बोल रहा है, सेम अपनी वाइफ, उसने अपने हस्बैंड के थ्रू से ये पैगाम दिलवाया है और वीडियो बनवाई है। अब ये लाख कह दे नहीं नहीं वो ये था वो था, नहीं, अब ये बात आप घर में भी बैठ के कर सकते थे, ठीक है जी, लेकिन नहीं, तरीके से रुकवाना था अम्मा को। अम्मा मेरी बैठ के हर दूसरे दिन बैठती है और कहती है कि जो है मेरे बेटे ने दो शादियां कर दी, मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरा बेटा परेशान हो गया, मेरे बेटे ने दो शादियां कर ली, तो मैं इतना कहूँगा कि रोज़ी रोटी देने वाला अल्लाह है। बिल्कुल अल्लाह है भाई, सेहत, ये जो तुम्हारी सेहत है ना उसकी फिक्र है माँ को, रोटी रोज़ी क्या है, रोटी रोज़ी तो मिल जाती है, तो कीड़े को पत्थर में से भी रिस्क मिलता है, रिस्क तो मिलता है, ठीक है जी, और मिल के रहता है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा तकवदो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए परेशान तकवदो करें, सॉरी मैं गलत हूँ यहाँ पे, तकवदो करें, भाग दौड़ करें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, हाय हम भूखे मर जाएंगे, भूखा कोई भी नहीं मरता होता, अल्लाह ताला पहुँचाता है रिस्क किसी भी ज़रिए से। खैर कहता है कि अल्लाह रोटी देने वाला है, दूसरी शादी की अल्लाह रोटी देने वाला, भाई रोटी क्या, वो ज़हनी सुकून की बात कर रही है। एक यूट्यूबर है यहाँ पे, अभी 10 मिलियन हुए हैं उसके यार, वो मौलवी साहब जो है मैं अरशद नदीम पता नहीं क्या जो भी नाम है, उन्होंने वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है, अपनी बीवी को दो बुरके कलरफुल पहना दिए हैं, कभी इस बीवी के पास बैठा है, कभी इस बीवी के पास बैठा है, पैगाम दिया है। अब मेरे दिमाग में भी फ़ौरन आया, मैं क्या देखा इन्हें कर ली ना ब्याह दूसरा, ओ किसके पापा, हाय दुआ के पापा है ना, दुआ के पापा है, बात सुनना ये वाला जो है, तो उनके माशाल्लाह 10 मिलियन हो गए हैं, बड़े बहुत ज़्यादा गिफ्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, चीज़ें भेज रहे हैं, फर्नीचर, फ्रिज, कंपनियां आम नहीं, कंपनियां कंपनीज भेज रही हैं, और उनकी कोठी बनी हुई है, बड़ी सारी प्यारी सी घर बना हुआ है, वो उसके लिए जो है ढेर सारा पेंट भी भेजा गया है। तो उसने ये मैसेज दिया है, उसने कहा देखो अल्लाह ने किसी सूरत में दी है इजाज़त 3-4 शादियों की, हर बंदे के लिए नहीं है, उसके लिए वजह दी गई है, और आप लोग कह रहे होंगे शायद मैंने कर दी है, तो नहीं भाई मुझे एक ही काफ़ी है, उसने कहा। मैं दिल में सोची मैं कि मौलवी साहब तुझे भी कर लिया, लेकिन नहीं, मौलवी साहब ने एक ही की हुई है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, फ़िलहाल वो अभी यहीं पर खुश है, मे भी हो सकता है ज़्यादा शोहरत पाने के बाद फिर होर भी मिल जाए, ज़रा रंगीन मिजाज औरत, तो फिर वो भाग पड़ते हैं लोग, फिर पहली बीवी ना उनको बोर लगने लगती है, तो फिलहाल तो ये खुश हैं, ठीक है। तो कहता है कि नहीं मुझे मेरी एक ही बीवी है, और मैं जो है बराबर हकूक नहीं दे सकूंगा शायद, और मैंने सोचा भी नहीं है दूसरी शादी का, लेकिन मैंने मैसेज ज़रूर दिया है कि दो तीन शादियां अगर करते हो तो फिर उनको इंसाफ के साथ रखो, ठीक है। तो
वो सेब था ना, तो फिर सेब आधा करके आधा उधर दिया आधा उधर दिया, तो इस तरह से वो मैसेज देना चाह रहा था। बाकी उन्होंने कहा शादी एक ही है, अगर ज़्यादा करनी है तो कोई सूरत होती है। खैर ये बंदा अब हमेशा पुठी बात करता है, इसको क्या कहेंगे। माँ जो पिट रही है वो रोटी रोजी के लिए नहीं पिट रही, वो सेहत के लिए पिट रही है। हाय मेरे पुत्र की सेहत गई है थाड़ी मत मेरा पुत्र। अच्छा बाकी कहता लोग बार बार जो है मैसेज कर रहे हैं कि अपनी माँ को समझाओ सनिया के बारे में, ना बोला करें कि उसने शादी की है उससे। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ अम्मी आप जो है मत करें, माँ ना बनाया करें वीडियो कि मेरे बेटे ने जो है दूसरी शादी कर ली है या ये है वो है। बाकी रही अब्बे की बात, अब्बे पे भी आ गया जनाब, अब्बा को भी जवाब दिया, कहता मुझे तकलीफ़ होती है, ठीक है मैं भी बाप हूँ पर ये गलत बात है। माँ बाप ठीक है परेशान होते हैं, लेकिन अब ये भी ना कहना कि मैं माँ बाप पे बैठ गया हूँ रिएक्शन देने के लिए, अब आता हूँ अपने अब्बा पे। अब्बा ने भी वीडियो बनाई रिएक्शन दिया और कहता कि उसने बोला मुझे कि औलाद का दुख होता है, मुझे मेरी औलाद है मेरा बेटा है मुझे दुख होता है, तो कहा माँ बाप अच्छा बोले ना तो खुशी होती है, हमेशा बुरा भी ना बोला करें। अरे ये बुरा है वो, मतलब नेगेटिव ले जाता है ना, छोटी छोटी बातों को नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव ले, मतलब काहे का दुख मना रहे हैं ये समझ नहीं आई। तो कहता है कि खुशी होती है अच्छा बोले मेरे लिए, मेरा जो है इसका गिला तो नहीं बनता, फिर भी अब्बू को मैंने बोला कि आप जो है मत जाओ बाबर के साथ, कहता मैंने बच्चों के साथ जाना है। तो आपके घर में अकेला पड़ा रहता ताकि आप फिर वापस ना आए, जाओ बच्ची को स्कूल छोड़ाओ ले आओ सब्जी ले आओ, और ऊपर से 10,000 लोगों की बातें भी के सुसर के साथ अकेली रहती है। आप अभी है मदहोश, अभी आप होश में आ ही नहीं रहे भाई, कैसी बातें करते हैं आप। और ये इस तरह से है भी नहीं, अभी तो इतने बस अल्लाह माफ़ करे अब क्या कहें। आपकी साली ने खुद वीडियो बना के पहले ही लेबल लगा दिया, ये आपका अपना कसूर है, आपने उसको इतना ढील दी थी कि उसने पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया, तो बाद में भी फिर यही होता, तो अब भुगतो ये वाली चीज़। तो कहता माँ बाप अच्छा बोलें तो खुशी होती है, बाकी जो है अब्बू ने जो बोला है मैंने उसको कहा था कि तुम ना जाओ, कहता बाबर के साथ जाऊँगा, और वो चला गया खुशी खुशी। उसके बाद मेरे साथ इन लोगों ने बात ही नहीं की, उन्होंने नहीं की, आप कर लें आप करें, खुद करनी चाहिए। और मेरे माँ बाप को जो है मेरे बाप को गुस्सा ये है कि माँ को ट्रिप पर क्यों लेके गया था, तो इसलिए मेरा बाप गुस्से में था कि माँ को ट्रिप पे क्यों लिया लेके गया। तो हाँ उसको तो होना है भाई, उसको होना है गुस्सा, क्यों नहीं होना। आपकी छनिया को क्यों लगती है गुस्सा क्यों आता है, या आपकी फातिमा को क्यों गुस्सा आता है, फीलिंग तो ऐसे ही होता है। उसको आएगा क्योंकि अमीन साथ गया हुआ था, उसको तो आना है गुस्सा, क्यों नहीं आना वो तो अभी तक डिवोर्स ही नहीं मान रहे, तो आप बातें करते हैं कोई और, उसको सारा पता है कि कौन कौन गया था ट्रिप पे। बाकी जो है कहता है कि आज मेरा बेटा जो है तकलीफ़ में है, मेरा बाप को बड़ा दुख आ रहा है मेरे पे, मैं तो एक महीने से बीमार हूँ, किसी ने नहीं पूछा, ना भाई ना भाभी ना किसी ने, कि कोई जो है क्या तकलीफ़ है आपको। कोई किसी को मार भी देता तो फिर भी उसे भी माफ़ी मिल जाती होती है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो सिर्फ शादी की है, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया है। एक टाइम था मेरा सितारा चमकता होता था YT पे और लोग डीडी डीडी मुझे बुलाते होते थे, अब कोई मुझे पूछता ही नहीं है, सब छोड़ के गए, गोलियां खाई हैं तो वीडियो बनाने सारे आ गए हैं और मुझे बोलने लग गए हैं। पहली बात यह है कि अपने सितारे को आपने ही दबाया है, और दूसरा कहता है कि मुझे कहते हैं तुम्हारी शादी की वजह से तुम्हारे हालात ख़राब हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, मेरे हालात बिल्कुल ठीक हैं। और दूसरा ये कि आपने जो है मतलब अभी कितना महीना हुआ है मेरे ख्याल में इसको गए हुए बाबर को, तो इसमें नाराज़गी की क्या बात है। आप खुद कह रहे हैं कि मेरी बात होती है भाई से, जो है वो जूसर मशीन वगैरह के लिए बातचीत करता रहता है, होती है बात, तो अगर वो नहीं करता तो आप कर लिया करो। आप ठीक ठाक हट्टे कट्टे फिर रहे होते हो, ब्लॉग बना रहे होते हो, उन्हें तो यही पता कि आप ठीक हो, बाकी हल्की फुल्की तो कोई किसी न किसी की रह ही जाती है तबीयत ख़राब। तो ये अभी ऐसे लगा कि बच्चे जैसा कहता है मुझे ट्रीट करो, कि मैं अपनी हर जिद मनवाऊँ, अगला बंदा जड़ा है
वो थले लग के रवे तो इंज नहीं होता भाई। कहते मैं बीमार होता हूँ तो फिर आ जाते हैं झूठे मुंह, कोई पूछता भी नहीं है कि कैसे हो, कैसी तबीयत है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें। कहते हैं शादी की है तूने तो तू डूब गया है, तेरी हालात, तू सारा कुछ अपना देख, तेरा सब कुछ मतलब तबाह हो गया है। तो मेरी गाड़ी अगर थी मेरे पास तो मैंने गाड़ी बेच के प्लाट लिया है ना सनिया के लिए, सनिया के लिए और क्या लिए लिया है, गाड़ी बेच के प्लाट तो लिया है, कहता है सनिया के लिए लिया है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं। बाकी जो है तेरे भाई ने मतलब आपके भाई ने भंगड़े डाले थे, नाच रहा था, और कहते हो तो वीडियो मैं भेज देता हूँ मेरे पास, लेकिन मैं कहता हूँ रिश्ते ख़राब ना हों। ओनू एक्सपोज करके होता भंगड़ा एक्सपोज करके एंड में कहता है कि मैं रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहता गुने। अच्छा उसके बाद जो है कहता है चाचे के भंगड़ा लीक कर दिया इसने, वो कहता था मैं तो मोटरसाइकिल देने गया था मेरा भतीजा, उसने सिर्फ यही कहा था कि मैं मोटरसाइकिल देने गया, खाना खा रहे थे फिर मुझे खाना खिलाया, मैं फिर निकल आया, ज़बरदस्ती इन्होंने खाना खिलाया था जी। हम भी मान गए, हम कहेंगे नहीं भाई चाचे को फंसाया जा रहा है, लेकिन आज तो भंगड़ा भी लीक हो गया चाचे का, वीडियो भी बन गई। मैं वहाँ से ज़बरदस्ती मुझे बुला के कहा तू नाच बसंती नाच, मैं नाचना शुरू हो गया था, ये बोलेगा आप चाचा। खैर कहते कि वो मैं रिश्ते बचाना चाह रहा हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसलिए जो है वीडियो मेरे पास वरना है मैं लगा सकता हूँ, और बाकी शादी की है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, हर बंदा मेरे पे उठ के आके बोल देता है कि तूने अच्छा नहीं किया, हाँ मतलब मूड बने हुए हैं लोगों के, लेकिन बोलते चालते ये लोग हैं, बाकी सारा फिट फाट टिट फॉर टैट चल रहा है, लेकिन ये जिद जब करता है तो फिर लोग कहते हैं तू जानते तेरा कम जाने, ये चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। खैर बाकी जो है कहते हैं हमजा से बात मैंने की तो अब्बा मेरा बैठा था, उसने एक दफ़ा नहीं कहा कि बेटे से बात कर लो, अरे भाई वो बाप है आप कर लो, औलाद कर देती है, औलाद पहल करती है, ऐसे लोग भी देखे जो जिनको बाप ही नहीं पूछता, अरे तुम कर लो बात कर रहे हो, जा दादा से बात करवा, मेरी अब्बू से बात करा दे, वो ना करे फिर आप बोलो कि अब्बा से मैंने कहा था, अब्बा ने इनकार कर दिया, मैं तो बात ही नहीं करना चाहता, तो आप कर लेते हैं। खैर कहता है कि मेरे अब्बा ने मेरे से बात नहीं की बाकी जो है, और आज वीडियो जो है बना के मैं मतलब अगर मैं मर जाता हूँ तो फिर जो है ये यही समझे कि इसने दूसरी शादी कर ली है, मतलब अभी भी मुझे मरा हुआ पेश कर रहे हैं, बाद में भी इन्होंने मरा हुआ ही मुझे कहना है, अल्लाह माफ़ करे, अपनी गलतियाँ सुधारनी नहीं है, इल्ज़ाम दूसरों पे ही डालने ये ऐसे बहुत बुरी बात है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।